हेलो फ्रेंड्स, कोमस किचन में आपका स्वागत है। आज कोमस किचन में बनने वाला है ब्रेड का एक बहुत ही झटपट सा बनने वाला नाश्ता। काफ़ी टेस्टी होता है ये खाने में। जी हाँ, आज बन रहा है ब्रेड रोल। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें एक आलू का मसाला हम तैयार करेंगे और इसको इस ब्रेड में स्टफ़ करके इसे हम फ्राई करेंगे। कभी आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो तो आप क्या करें, आप ब्रेड में मसालों को स्टफ़ करके रख लें फ्रिज में और आराम से आप एक दो घंटे के बाद उसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा नाश्ता है मेहमान के लिए। तो चलिए सीखते हैं ब्रेड रोल बनाना। आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने ये 6 बॉयल्ड आलू ले लिए हैं। इसको हम इस तरीके से हाथों से तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है इसे हमें, बस मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। ये देखिए, आलू को हमने तोड़ लिया है टुकड़ों में। तो चलिए अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। ये हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे हम लगभग 3 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच राई। अब फ्रेंड्स, इसमें डाल रही हूँ 1 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, इसको मैंने बारीक काट लिया है, वो इसमें डाल दें। अब इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को 1-2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें चुटकी भर हींग डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा आलू में। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, इसलिए कुछ भी आप फ्राइड आइटम बनाएं, कुछ ऐसा स्टफिंग हो तो उसमें आप हींग डाल दें। ये देखिए, प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच भुना हुआ मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च को मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। 1/4 चम्मच भुना जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच नमक, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। बहुत थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। ऑलरेडी हमने लाल मिर्च और हरी मिर्च डाल रखी है, तो अब जितना तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सब डालें। इन्हें मिक्स कर लें। डालेंगे बॉइल्ड आलू। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब इसमें हम थोड़ा सा ऐसे हरा कटा धनिया डालेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला।
इन्हें अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़े से कटे हुए गाजर भी डाल सकते हैं, या मूंगफली को रोस्ट करके हल्का सा कूट ले उसको भी आप इसमें मिक्स करेंगे तो आलू का मसाला बहुत अच्छा रेडी हो जाता है। तो लीजिए, आलू का मसाला बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। मैंने वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड या आटा ब्रेड भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके साइड्स को कट कर लेंगे। ये देखिए, जो साइड्स होते हैं जिसमें थोड़े हार्ड होते हैं उसको मैं हटा रही हूँ, सिर्फ इधर सॉफ्ट वाले साइड्स को छोड़ दे रही हूँ। आप चाहे तो बिना साइड्स कट किए भी ब्रेड रोल बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक प्लेट में पानी ले ली है, उसमें हम ब्रेड को ऐसे डिप करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको निकाल के सारे पानी को अच्छे से निकाल लेंगे। और इसमें आलू के मसाले को डाल देंगे इस तरीके से, और इसे पैक कर देंगे इस तरीके से, हाथों से दबाकर ऐसा शेप में ले आए। तो ये देखिए, ये अच्छे से शेप में आ गया है। अभी इन्हें हम रख देंगे। अब मैं और दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको, इस तरीके से पानी में डालना है और हाथों से ऐसे दबाकर इस तरीके से सारे पानी को निकाल लेना है। फिर हम इस तरह से आलू के मसाले को इसमें डालेंगे, इस तरीके से इसको पैक कर दें, सारे कोनों को ऐसे मिला दें इस तरह से दबाते हुए, इसको ओवल शेप में बना दें। ये देखिए, इसी तरीके से सारे ब्रेड को हम भर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे ब्रेड रोल रेडी कर लिए हैं, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो चलिए, तेल गर्म हो चुका है, अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। फ्लेम, इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अब इन्हें पलट लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड रोल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें गोल्डन कर लेना है ब्रेड रोल्स को। इसी तरीके से हम बाकी रोल्स को भी फ्राई कर लेंगे।
फ्रेंड्स हमने सारे ब्रेड रोल को फ्राई कर लिया है, ये देखिए, और इसे अच्छे से सजा भी लिया है प्लेट में। तो देखिए कितना आसान है इसको बनाना। एक बार मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रॉपर कुक हुआ है ब्रेड रोल, काफ़ी क्रिस्पी भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।